हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे क्लास 11 की हॉर्नबिल बुक का चैप्टर द एडवेंचर, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। द जीजा माता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट कंसिडरेबली फास्ट देन द डेक्कन क्वीन। There were no industrial townships outside Pune. The first stop, Lonavala, came in 40 minutes. The Ghat section that followed was no different from what he knew. The train stopped at Kaljat only briefly and went on at even greater speed. It roared through Kalyan. So, इसमें राइटर बताते हैं कि जो जीजा माता एक्सप्रेस है वो पुणे बॉम्बे रूट पर काफ़ी तेज़ी से दौड़ रही है एंड पुणे के बाहर कोई भी इंडस्ट्रियल टाउन नहीं थे, बस जो थे वो पुणे के अंदर ही थे। एंड पहला स्टॉप जो आता है, फर्स्ट स्टॉप दैट इज़ लोनावला, जो 40 मिनट्स के बाद आया। घट का हिस्सा बिल्कुल भी अलग नहीं था, जो उन्हें पता था वैसा ही था, उसमें कोई भी चेंज नहीं था। ट्रेन कर्जत में थोड़ी सी देर के लिए रुकी और फिर तेज़ी से आगे चली और कल्याण से गूंजती हुई वो वहां से निकली। Meanwhile, the racing mind of Professor Guy Tonde had arrived at a plan of action in Bombay. Indeed, as a historian, he felt he should have thought of it sooner. He would go to a big library and browse through history books. That was the surest way of finding out how the present state of affairs was reached. He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. So, Professor Guy Tonde का जो mind है इस समय, वो train में बैठे, उनका दिमाग कहाँ गया? अपने काम पे गया। वो एक historian थे। Historian कौन होते हैं? जो history के बारे में जांच पड़ताल करते हैं या interest रखते हैं, ठीक है? So, वो एक historian थे और उन्हें ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें बहुत पहले ये सब कुछ सोच लेना चाहिए था। उन्हें एक बड़ी लाइब्रेरी में हिस्ट्री की बुक्स को सर्च करना चाहिए और यही एक रास्ता है जिससे कि प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके बारे में जाना जा सकता है। उन्होंने पुणे लौट के राजेंद्र देशपांडे से बात करने की भी सोची कि वो उनसे बात करेंगे, क्योंकि वही एक ऐसे इंसान थे जो उनको समझाने में हेल्प करते कि एक्चुअली में क्या हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट, दैट इज अज्यूमिंग दैट इन दिस वर्ल्ड देयर एग्जिस्टेड समवन कॉल्ड राजेंद्र देशपांडे। द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, इट वाज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद। एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स। अब यही इमेजिन या एज्यूम करें कि इस वर्ल्ड में राजेंद्र देशपांडे जैसे लोग भी रहते हैं। अब लंबी टनल को पार करने के बाद ट्रेन रुकी और जहाँ पे ट्रेन रुकी उस स्टेशन का नाम था सरहद। इस स्टेशन से एक एंग्लो इंडियन चढ़े जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वो परमिट्स को चेक कर रहे थे, ट्रेन में किसके पास परमिट है, मतलब किसके पास टिकट है, किसके पास टिकट नहीं है। दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम, खान साहिब आस्क्ड। यस, द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन एंड खान साहेब, हाउ विल यू गो टू पेशावर? दिस ट्रेन गोज टू द विक्टोरिया टर्मिनस। आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट आउट ऑफ सेंट्रल। सो यहीं से ब्रिटिश राज शुरू होता है। खान साहेब ने पूछा कि मेरा अंदाजा है कि तुम पहली बार है ना, कि तुम पहली बार जा रहे हो इस ट्रेन से। गंगाधर पंत ने जवाब दिया, हाँ मैं पहली बार जा रहा हूँ, बिकॉज वो इस बॉम्बे में पहले कभी नहीं आए थे। जिस बॉम्बे के बारे में उन्हें पता था वो तो डिफरेंट था, तो इस बॉम्बे तो वो कभी भी नहीं आए थे। फिर गंगाधर पंत ने खान साहिब से पूछा कि आप पेशावर कैसे जाएंगे? खान साहिब ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया कि यहाँ ये जो ट्रेन है ये विक्टोरिया टर्मिनल तक जाती है और जो कि लास्ट स्टेशन है। अब यहाँ से क्या होगा, वो आज रात फ्रंटियर मेल लेंगे और वहाँ से
सेंट्रल के बाहर से जो मिलती है वो फ्रंटियर मेल वो लेंगे. हाउ फार डज इट गो बाय व्हाट रूट? बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर एंड द पेशावर. अ लॉन्ग जर्नी. आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो. देयर आफ्टर खान साहिब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस एंड गंगाधर पंत वॉज अ विलिंग लिसनर. For in that way, he was able to get some flavor of life in this India that was so different. So, फिर गंगाधर पंत ने पूछा कि कितनी दूर तक जाती है फ्रंटियर मेल और किस रूट से. तो फिर खान साहिब ने इसका जवाब दिया, बॉम्बे से दिल्ली, फिर वहां से लाहौर और फिर वहां से लास्ट में पेशावर. यह एक लंबी यात्रा है और मैं परसों पेशावर पहुंचूंगा, मतलब कि इतना टाइम लग जाएगा मुझे, एटलीस्ट 3 दिन का. इसके बाद खान साहिब ने अपने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ बताया और गंगाधर पंत जो थे एक काफी क्यूरियस लिसनर थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था, है ना. लिसनर मतलब जो श्रोता होते, सुनने वाले, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था. खान साहिब की बातों में काफी इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि खान साहिब की बातें जो थी वो कैसी थी, सही भारतीय जीवन के स्वाद दे रही थी. मतलब कि उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि एक्चुअल में वो एक ऐसे इंडियन से मिले जो एक अलग ही तरीके की बात उन्हें बता रहे थे, जो बहुत अलग था, मतलब, है ना. नेक्स्ट. द ट्रेन नाउ पास थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक. द ब्लू कैरिएजेस कैरीड द लेटर्स GBMR ऑन द साइड. ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, एक्सप्लेन्ड खान साहिब. See the tiny Union Jack painted on each carriage, a gentle reminder that we are in British territory. GBMR, Greater Bombay Metropolitan Railway, Khan Sahib ne explain kiya aur bola, dekho har dibbe par ek chhota sa Union Jack bana hua hai aur ye sign jo hai ek reminder hai jisse hame ye pata chale ki hum jo hai British territory mein entry kar chuke hain. The train began to slow down beyond Dadar and stopped only at its destination, Victoria Terminus. The station looked remarkably neat and clean. The staff was mostly made up of Anglo-Indians and Parsis, along with a handful of British officers. As he emerged from the station, Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. The letters on it proclaimed its identity to those who did not know its Bombay landmark. अब ट्रेन जो है दादर के बाद उसकी स्पीड कम होने लगी और अपने स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनल पर रुकी. स्टेशन काफी साफ सुथरा था, बहुत ही नीट एंड क्लीन था और वहां पर ज्यादातर स्टाफ जो थे वो एंग्लो इंडियन और पारसीज थे और बहुत ही कम हैंडफुल, मतलब बहुत ही कम ब्रिटिश ऑफिशियल्स वहां पे थे. जैसे ही गंगाधर पंत अपने स्टेशन पे उठे, उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दी और आइडेंटिटी के लिए उस बिल्डिंग पे कुछ लेटर्स लिखे थे जो कि इस बॉम्बे का लैंडमार्क था. प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मेनी शॉक्स, प्रोफेसर गाय टोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस. द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वुंड अप शॉर्टली. आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857 एटलीस्ट, दैट इज वॉट हिस्ट्री बुक्स सेड. येट देयर इट वॉज नॉट ओनली अलाइव बट फ्लरिशिंग. सो History had taken a turn perhaps before 1857. How and when had it happened? He had to find out. अब प्रोफेसर गाय टोंडे जो बहुत सारे शॉक्स के लिए तैयार थे, लेकिन इसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी. ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के इवेंट्स के बाद बंद हो चुकी थी. ये बात हिस्ट्री के बुक्स में लिखी है, लेकिन यहाँ पे तो कंपनी काफी अच्छी चल रही है, मतलब फ्लरिश कर रही है, है ना, बहुत अच्छे से चल रही है. तो इसका मतलब यह है कि 1857 से पहले हिस्ट्री ने अलग टर्न ले लिया, ठीक है, और जो कि गंगाधर पंत ने सोचा कि 1857 से हिस्ट्री ने अलग सा टर्न कोई ले लिया होगा और उन्हें इसका पता भी नहीं लगा. तो अब उन्हें इसका पता लगाना है कि किस पॉइंट पे हिस्ट्री ने टर्न लिया. नेक्स्ट. As he walked along Bombay Road, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. There was no handloom house building
Instead, there were Boots and Woolworth departmental stores, imposing offices of Lloyd's, Barclays and other British banks as in a typical high street of a town in England. जब उन्होंने हॉर्नबाय रोड पे वॉक किया तो वहां पे उन्होंने देखा कि शॉप्स और बिल्डिंग्स हैं वहां पे. टावर ऑफ ओसियस और हैंडलूम हाउस, वहां पे हैंडलूम हाउस की बिल्डिंग्स भी नहीं थी. वहां पे उसकी जगह पे क्या थे, बूट्स थे, वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर थे, लॉयड्स के ऑफिस थे, ब्रिटिश बैंक थे और ऐसा लग रहा था कि इंडिया नहीं बल्कि वो ब्रिटेन की गलियों में घूम रहे हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारे डिफरेंट और बैंक्स थे. गंगाधर पंत राइट में होम स्ट्रीट की तरफ मुड़े और फोर्स बिल्डिंग में एंट्री करी. ही टर्न राइट अलोंग होम स्ट्रीट एंड एंटर फोर्स बिल्डिंग. आई विश टू मीट मिस्टर गाय टोंडे प्लीज, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट. उन्होंने बोला कि मुझे इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट से उन्होंने बोला कि मुझे जो है विनय गाय टोंडे से मिलना है. तो इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट ने अपनी पूरी डायरेक्टरी देखी और इस नाम का कोई भी बंदा उनको वहां पे नहीं मिला. फाइनली उन्होंने जो है और भी सारी डायरेक्टरी देखी जिसमें जितने भी एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे थे उन सबके फोन नंबर और एड्रेस थे, लेकिन इस नाम का कोई भी इंसान उनके किसी भी ब्रांच में काम नहीं करता था. दिस वॉज अ ब्लो not totally unexpected. If he himself were dead in this world, what guarantee had he had that his son would be alive? Indeed, he may not even have been born. He thanked the girl politely and came out. It was characteristic of him not to worry about where he would stay. His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society to solve the riddle of history. Grabbing a quick lunch at a restaurant, he made his way to the town hall. So, अब ये गंगाधर पंत ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिसेप्शनिस्ट उन्हें इस तरीके का जवाब देगी, मतलब कि मना करेगी, इस नाम का कोई आदमी काम नहीं करता. अगर वो खुद मर चुके हैं तो क्या गारंटी है कि उनका बेटा भी जिंदा होगा, मतलब कि वो कुछ दिमाग से अलग ही सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीजें फेमिलियर और बहुत सारी अनफेमिलियर नजर आ रही है यहाँ पे. तो वो कहते हैं कि अगर मैं ही जिंदा नहीं होगा तो क्या गारंटी है कि मेरा बेटा भी जिंदा होगा, और हो सकता है कि वो पैदा ही ना हुआ. उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू बोला और वहां से बाहर आ गए. वो कहां रुकेंगे इसकी उन्हें कभी भी चिंता नहीं होती थी और ये उनकी विशेषता थी कि उनको कभी इस चीज की चिंता नहीं होती थी कि वो कहां रुकेंगे क्या करेंगे. उनको मेन जो टेंशन थी वो ये थी कि वो एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में जाए और वहां हिस्ट्री की बुक्स में से हिस्ट्री के इस रिडल को सॉल्व कर सके. उन्होंने रेस्टोरेंट में लंच किया जल्दी से और फिर वो टाउन हॉल की तरफ चले गए. आई होप सबको ये फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स. बेटा आज हम करेंगे द एडवेंचर का पार्ट टू. ये है क्लास इलेवेंथ की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर. ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने जो किया था वो था कि जब वो रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं विनय गाय टोंडे के बारे में और उसके बाद उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, यही मिलती है कि इस नाम का कोई भी इंसान उनके किसी भी ब्रांच में काम नहीं करता. वो फटाफट रेस्टोरेंट जाते हैं, लंच करते हैं और उसके बाद वो टाउन हॉल की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, तो उसके बाद करेंगे अब आगे. येस टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी. He entered the reading room and asked for a list of history books including his own. His five volumes duly arrived on his table. He started from the beginning. Volume 1 took the history up to the period of Ashoka. Volume 2 up to Samudragupta. Volume 3 up to Muhammad Ghori. And Volume 4 up to the death of Aurangzeb. Up to this period, history was as he knew it. The change evidently had occurred in the last volume. सो उन्हें ये देख के काफ़ी रिलैक्स मिला, काफ़ी रिलीफ मिला कि टाउन हॉल वहीं था और लाइब्रेरी भी थी उसमें. उन्होंने रीडिंग रूम में एंट्री करी और बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स की लिस्ट दी जिसमें उनकी भी एक लिखी हुई किताब थी हिस्ट्री की. फाइव वॉल्यूम उनके सामने रख दिए गए. फर्स्ट वॉल्यूम से उन्होंने स्टार्ट किया. फर्स्ट वॉल्यूम में अशोका के टाइम पीरियड का डिस्क्रिप्शन था,
सेकेंड वॉल्यूम में समुद्र गुप्ता के पीरियड का डिस्क्रिप्शन था, और जो वॉल्यूम थर्ड था उसमें मोहम्मद गौरी के टाइम के पीरियड का डिस्क्रिप्शन था। जो फोर्थ वॉल्यूम था उसमें औरंगजेब के जो डेथ का जो टाइम पीरियड था उसका डिस्क्रिप्शन था। इस टाइम पीरियड तक हिस्ट्री वैसी ही थी जैसी वो जानते थे, इसलिए ये क्लियर था कि चेंज जो है वो लास्ट यानी कि फिफ्थ वॉल्यूम में ही था। रीडिंग वॉल्यूम फाइव फ्रॉम बोथ एंड इनवर्ड्स, गंगा धरपन फाइनली कन्वर्ज ऑन द प्रिसाइज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब्ड द बैटल ऑफ पानीपत एंड इट मेंशन दैट द मराठास वन इट हैंडसमली। अब्दाली वॉज रूटेड एंड ही वॉज चेस्ड बैक टू द काबुल बाय द ट्रायम्फेंट मराठा आर्मी लेड बाय द सदाशिव राव बाहू एंड हिज नेफ्यू द यंग विश्वराव। गंगा दर्पण ने जब फिफ्थ वॉल्यूम पढ़ा तो उन्होंने ध्यान दिया कि उस पॉइंट पे जहां से हिस्ट्री ने डिफरेंट टर्न लिया उस पेज पर पानीपत के बैटल का डिस्क्रिप्शन था, और इस बैटल में मराठा जीते थे इसका भी डिस्क्रिप्शन था। किस तरह अब्दाली को हरा के काबुल तक वापस भेज दिया गया, और ये सब किया मराठा आर्मी ने जिसके मेन लीडर थे सदाशिव राव बाहू एंड जो उनके भतीजे थे विश्वराव। ठीक है, द बुक डिड नॉट गो इन टू अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ, रैदर इट इलैबोरेटेड इन डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया। गंगाधरपन रीड थ्रू द अकाउंट एविडली, द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज, येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इस बुक में बैटल का एक एक डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ था, मतलब कि सिंगल सिंगल जो दिया है ब्लो बाय ब्लो, मतलब टर्म वाइज ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था, बल्कि इसके रिजल्ट क्या रहे और इनके रिजल्ट ने इंडिया के पावर स्ट्रगल में कैसे हेल्प करी ये सब उसमें बताया गया था। गंगाधरपन ने इस डिस्क्रिप्शन को बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ा, राइटिंग स्टाइल तो उनका ही था लेकिन इस चीज को वो पहली बार पढ़ रहे थे। Their victory in the battle was not only a great morale booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. The East India Company, which had been watching these developments from the sidelines, got the message and temporarily shelved its expansionist program. So, जो Marathas की victory थी, वो एक great morale booster के साथ साथ North India में उनकी supremacy भी साबित हुई। मतलब उस समय पे सिर्फ मराठास का ही बोलबाला था, वो काफी सुप्रीम बन चुके थे, समझ लो हीरो बन चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इन चेंजेस को दूर से देख रही थी, और उन्हें साथ साथ ये मैसेज मिला कि जो एक्सपेंशन का वो सोच रहे थे कि हम यहाँ एक्सपेंड करेंगे या यहाँ अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रांच खोलेंगे, तो वो कुछ समय तक उन्हें रोक देना चाहिए। फॉर द पेशवास द इमीडिएट रिजल्ट वॉज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ बाहू साहेब एंड विश्वराव, हु इवेंटफुली सक्सीडेड हिज फादर इन 1780 AD। द ट्रबल मेकर दादा साहेब वॉज रेलिगेटेड टू द बैकग्राउंड एंड ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम द स्टेट पॉलिटिक्स। अब जो पेशवास थे, पेशवास में बाहू साहेब और विश्वास राव का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था, काफी लोग इनको जो है दे जस्ट बिकम द इन्फ्लुएंसर। और 1780 में विश्वास राव के जब फादर की डेथ हुई तो फादर की जगह भी किसने ले ली, विश्वास राव ने। दादा साहेब ने अपने आप को लोअर पोजीशन में डाल के बाद में यहां से रिटायरमेंट ले ली थी। टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वराव। ही एंड हिज ब्रदर माधव राव कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेन विद वैलर एंड सिस्टमेटिकली एक्सपैंडेड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया। The company was reduced to pockets of influence near Bombay, Calcutta and Madras, just like its European rivals, the Portuguese and the French. So, shocking to ye tha ki jo East India Company ko apna naya match is Maratha ruler mein mila tha, jiska naam tha Vishwarao. Vishwarao aur unke bhai jo the, jinka naam tha Madhav Rao, unhone bahut hi bahaduri se apna इन्फ्लुएंस डाला था पूरे भारत में, है ना, पूरे मतलब अपना प्रभाव पूरे भारत में फैलाया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बॉम्बे कैलकटा मद्रास के आसपास के कुछ ही हिस्सों में रह गई थी, जैसा कि उनके यूरोपियन राइवल्स, मतलब हम प्रतिद्वंदी कह सकते हैं,
जो उनका हुआ था, जैसे यूरोपियन राइवल्स कौन से थे, पोर्तुगीज एंड फ्रेंच, तो उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अब कुछ ही हिस्सों में रह गया था पूरा हिसाब किताब। फॉर द पॉलिटिकल रीजंस द पेशवास केप्ट द पपेट मुगल रिजाइम अलाइव इन दिल्ली। इन द 19th सेंचुरी दीज डिफैक्टो रूलर्स फ्रॉम पुणे वर एस्ट्यूट इनफ टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एज डॉनिंग इन यूरोप। दे सेटअप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हियर। द ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स, दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशियंट। अब क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ही जो पेशवास थे उन्होंने दिल्ली में मुगल्स का जो पपेट राज था, मतलब कि वो जारी रखा कि ये पपेट्स हैं, है ना, आगे से दिखाने वाले, वो जारी रखा। 19th सेंचुरी में सिर्फ नाम के शासक पुणे में जागरूक हो गए और यूरोप में हो रहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अपने सेंटर्स डेवलप किए। यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और अपॉर्चुनिटी देखी अपने एक्सटेंशन की, कि हम अब यहाँ पे एक्सपैंड कर सकते हैं, और एड और एक्सपर्ट्स ऑफर करे उन्होंने कि चलो अब आप अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हो तो आपको कोई हेल्प चाहिए या आपको एक्सपर्ट चाहिए तो हम देंगे। और इस हेल्प को केवल लोकल सेंटर्स को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए यूज किया गया, सिर्फ लोकल सेंटर्स के लिए ही एक्सेप्ट किया गया इस एड को, इस हेल्प को। नाउ द 20th सेंचुरी ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेस इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट। इंडिया मूव टूवर्ड्स अ डेमोक्रेसी। By then the Peshwas had lost their enterprise and they were gradually replaced by democratically elected bodies. The Sultanate at Delhi survived even this transition largely because it wielded no real influence. The Shahenshah of Delhi was no more than a figurehead of rubber stamp, the recommendations made by the central parliament. So अब जो 20th सेंचुरी थी वो बहुत सारे वेस्टर्न इंस्पायर्ड चेंजेस लाने वाली सेंचुरी साबित हुई। इंडिया डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा था, तब तक जो पेशवास थे उन्होंने अपनी प्लेस खो दी थी और उनकी जगह पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज आ गई थी। दिल्ली के शहनशाह सिर्फ किस लिए रह गए थे, एक रबर स्टैम्प, मतलब कि मुखिया, है ना, कि उनके रबर स्टैम्प के बिना कोई चीज पास नहीं होती थी, बस वही वो बन के रह गए थे। बाकी सारे फैसले जो थे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज जो थे वो लेते थे। नाउ नेक्स्ट, एज ही रेड ऑन, गंगाधरपन बिगैन टू अप्रिशिएट द इंडिया ही हैड सीन। इट वॉज अ कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट एंड न्यू वॉट सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज। From a position of strength and for purely commercial reasons, it had allowed the British to retain Bombay as the sole outpost on the subcontinent. That lease was to expire in the year 2001 according to a treaty of 1908. अब पढ़ते पढ़ते गंगाधरपन ने उस भारत की प्रशंसा करने शुरू कर दी जिसे वो देख रहे थे, जिसे मतलब उन्होंने देखा था, और वो देश था जो अब गोरे लोगों की गुलामी का शिकार नहीं था, मतलब कि इंडिपेंडेंट हो चुके थे, तो यहाँ पे कोई भी ब्रिटिशर्स अब नहीं थे, बल्कि उसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था। किसने, भारत के लोगों ने, भारतवासियों ने। और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है वो भी उन्हें पता चल गया था कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। कुछ कमर्शियल रीजंस की वजह से ब्रिटिशर्स को ये अलाउ किया गया कि सिर्फ बॉम्बे को ही एकमात्र अड्डे के रूप में वो बरकरार रहने दे सकते हैं, बाकी और कहीं नहीं। और 1908 की ट्रीटी के अनुसार लीज भी जो है वो 2001 में खत्म होने वाली थी। ठीक है, गंगाधरपन कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विद व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम, बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट। हाउ डिड द मराठास विन द बैटल, टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ। अब गंगाधरपन कंपेयर कर रहे थे किसको, उस भारत को जिसे वो जानते थे, और किससे, उससे जो उनके आसपास वो देख रहे थे। एक वो भारत था जिसे वो जानते थे,
और एक वो भाषा था जिसे वो पढ़ के समझ रहे थे, तो इन दोनों के बीच में वो कंपैरिजन कर रहे थे। लेकिन उन्हें लगा कि उनकी इन्वेस्टिगेशंस इनकम्प्लीट है, मराठास ने बैटल कैसे जीता ये तो अभी तक भी उन्हें पता नहीं चला था, और इसका आंसर ढूंढने के लिए बैटल के बारे में ही पढ़ना ज्यादा जरूरी होगा, उन्होंने ये सोचा। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम। एट लास्ट अमंग द बुक्स ही फाउंड वन दैट गेव हिम द क्लू। इट वॉज बाव साहेब बांछी बाखर। Although he seldom relied on the Bakhars for historical evidence, he found them entertaining to read. Sometimes buried in the graphic but doctored accounts, he could spot the germ of truth. He found one now in three-line account of how close Vishwarao had come to being killed. So, उन्होंने सामने रखी जितनी भी books और जितनी भी journals से वो पढ़ना शुरू किया, at last इन books में उन्हें वो book मिली जिसमें उन्हें कुछ clue मिले, और ये किताब थी बाहू साहेब बांछी बाखर, जिसमें उन्हें कुछ क्लू मिले अपनी जो उनकी दिमाग में प्रॉब्लम चल रही थी, जो उन्हें दिमाग में उनके क्वेश्चन चल रहा था कि मराठास कैसे जीते थे, तो उसके बारे में उन्हें कुछ क्लू मिला। हालांकि वो इन बाखर पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर भी पढ़कर उन्हें वो इंटरेस्टिंग लगे। कभी कभी पिक्चर्स के बीच और जो लिखा था उसमें उन्हें सच भी मिल रहा था, और अब तीन लाइन में पता चला कि विश्वास राव मरने के कितने नजदीक थे। एंड देन विश्व राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेले वेयर द इलाइट ट्रूप्स वर फाइटिंग एंड ही अटैक देम एंड गॉड वॉज मर्सीफुल। अ शॉट ब्रश्ड पास्ट हिज ईयर इवन द डिफरेंस ऑफ अ टिल सी सेम वुड हैव लेड टू हिज डेथ। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. Gangadhar Pant emerged from his thoughts. Looking around, he noticed that he was the only reader left in that magnificent hall. अब जो विश्वराव थे अपने घोड़े को भीड़ में ले गए जहां पे ट्रूप्स आपस में लड़ रहे थे, और उन्होंने उस ट्रूप्स पे अटैक कर दिया। अब यहाँ पे तो भगवान ने थोड़ी सी अपनी दया दिखाई, उनके कान को खरोचती हुई एक गोली उनके पास से निकली। मतलब बिल्कुल कितना अंतर था यहाँ पे बताया गया, तिल जितना अंतर था। अगर हल्का सा भी इधर होता तो उनकी जान जा सकती थी। तो 8 बजे अब ये सब वो पढ़ ही रहे थे, इतने में 8 बजे लाइब्रेरियन ने पोलाइटली रिमाइंड कराया गंगाधर पंत को कि सर जो है लाइब्रेरी अब बंद होने का समय हो गया है। तो गंगाधर पंत ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। अब गंगाधर पंत अपने ख्याल से बाहर आते हैं, क्योंकि वो पढ़ ही रहे थे तो वो अपने ख्याल से बाहर आते हैं और देखते हैं कि लाइब्रेरी बिल्कुल खाली है और उस पूरे बड़े से हॉल में सिर्फ वही बैठे हुए हैं। I beg your pardon, sir. May I request you to keep these books here for my use tomorrow morning? By the way, when do you open? At 8 o'clock, sir, the librarian smiled. Here was a user and researcher right after his heart. As the professor left the table, he shoved some notes into his right pocket. Absent-mindedly, he also shoved the Bakhar into his left pocket. Phir Gangadhar Pant bolte hain ki theek hai, mujhe maaf karna. लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बुक्स यहीं टेबल पे रहने दें, जिससे कि मैं कल सुबह आकर इन्हें यूज़ कर सकूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि लाइब्रेरी किस समय खुलती है? तो लाइब्रेरी ने मुस्कराते हुए कहा कि सर 8 बजे सुबह खुल जाती है, क्योंकि कम से कम यहाँ एक खोजी आया था, है ना, क्योंकि लाइब्रेरी में लोग कम ही जाना पसंद करते हैं। तो लाइब्रेरियन को इस बात से खुशी हुई थी कि इतना डेस्परेट बिल्कुल पढ़ने वाला कोई एक पहली बार आया था रिसर्चर, तो उन्होंने काफी पोलाइटली जवाब दिया कि 8 बजे सुबह खुलती है। जैसे ही प्रोफेसर गंगाधर पंत ने टेबल छोड़ी, उन्होंने कुछ रिटन नोट्स अपनी राइट पॉकेट में रख लिए और फिर एब्सेंट माइंडेडली बाखर का एक पेज फाड़ के उन्होंने अपनी लेफ्ट पॉकेट में रख लिया। सो ये था सेकेंड पार्ट, और इसके बाद इसी चैप्टर का थर्ड पार्ट करेंगे हम कल। सो आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। सो अब हम देखते हैं इसमें ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन
and had a frugal meal, he then set out for a stroll towards the Azad Maidan. In the Maidan, he found a throng moving towards a pandal. So, a lecture was to take place. Force of habit took Professor Gaitonde towards the pandal. The lecture was in progress, although people kept coming and going, but Professor Gaitonde's ideas, if mesmerized, there was a table and a chair, but the latter was unoccupied. So, Gangadharpan ne rukne ke liye guest house dhoon liya aur thoda sa khana khaya. Phir tehlte huye wo azad maidan ki taraf gaye. Maidan mein unhone pandal ki taraf ek bheed si dekhi. Kaafi saare log the wahan pe. Ek bhashan hone wala tha. Ab Professor Gaitonde pandal ki taraf chale gaye. Log kaafi zyada kuch aa rahe the, kuch ja rahe the, bahut saare log the wahan pe. So Professor Gaitonde to sirf pandal par khali kursiyon ko देख रहे थे. The presidential chair unoccupied. The sight stirred him to the depths. Like a piece of iron attracted to a magnet, he swiftly moved towards the chair. The speaker stopped in mid-sentence, too shocked to continue. But the audience soon found voice. Vacate the chair. This lecture series has no chairperson. Away from the platform, mister. The chair is symbolic, don't you know? So, अब उन्होंने देखा कि प्रेजेंट की चेयर खाली है, वहां पे कोई नहीं बैठा हुआ. इस बात से उन्हें अंदर तक मतलब वो परेशान हो गए. अब जैसे चुंबक जो लोहे की तरफ जाता है ना, ऐसे ही गायतोंडे जो है उस खाली चेयर की तरफ खींचते चले गए. अब स्पीकर जो है वो बीच में सेंटेंस में ही रोक दिया गया, लेकिन ऑडियंस को जल्दी एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज क्या थी? चेयर खाली कर दो, इस लेक्चर सीरीज में कोई भी चेयर पर्सन नहीं है. मिस्टर स्टेज से नीचे आ जाओ. चेयर सिंबॉलिक है, क्या आपको नहीं पता कि मतलब चेयर पे कौन बैठेगा? अब तुम वहां पे चले गए तो नीचे आ जाओ. सो व्हाट नॉनसेंस. Whoever heard of a public lecture without a presiding dignitary? Professor Gaitonde went to the mic and gave vent to his views. Ladies and gentlemen, an unchaired lecture is like Shakespeare's Hamlet without the Prince of Denmark. Let me tell you. तो अब Professor Gaitonde बोलते हैं, क्या बेवकूफी है, क्या कभी किसी chairperson के बिना कोई lecture सुना है? Gaitonde माइक पर गए और थॉट्स बताने लगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बिना चेयरपर्सन के भाषण सेम वैसा है जैसे शेक्सपियर के प्ले में हैमलेट, शेक्सपियर के प्ले है एक हैमलेट, उसमें प्रिंस ऑफ डेनमार्क ना हो तो वो प्ले कैसा लगेगा? तो सेम वैसा ही ये लेक्चर होगा, है ना. नाउ नेक्स्ट. But the audience was in no mood to listen. Tell us nothing. We are sick of remarks from the chair, of vote of thanks, of long introductions. We only want to listen to the speaker. We abolished the old customs long ago. Keep the platform empty, please. तो अब लेकिन ऑडियंस क्या है, सुनने के मूड में नहीं थी. ठीक है, ऑडियंस ने बोला कि हमें कुछ मत बताओ, हमने कुछ नहीं सुनना, हम सुन सुन के पक चुके हैं. ये लंबे लंबे इंट्रोडक्शंस, ये वोट ऑफ थैंक्स, हमें अब कुछ नहीं सुनना, हमें सिर्फ स्पीकर की बात सुननी है. हमने जितने भी ओल्ड कस्टम्स से, रीति रिवाज थे, वो सब हमने छोड़ दिए हैं. प्लीज आप प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाओ. मतलब कि गायतोंडे जो बोलना चाहते थे, ऑडियंस उन्हें बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती थी. बट गंगाधरपन हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग्स एंड हैड फेस्ड द पुणे ऑडियंस एट इट्स मोस्ट हॉस्टाइल. ही केप्ट ऑन टॉकिंग. ही सून बिकेम अ टारगेट फॉर अ शावर ऑफ टमेटोज, एग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वेलियंटली टू करेक्ट दिस सैक्रिलेज. फाइनली द ऑडियंस स्वैम्प्ड टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडीली. And in the crowd, Gangadharpan was nowhere to be seen. अब लेकिन गंगाधरपन ने कितनी मीटिंग्स अटेंड की थी? 999. और इन 999 मीटिंग्स में उनके बोलने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था.
लेकिन पुणे की ऑडियंस उन्हें काफी हॉस्टाइल लगी, मतलब जिनको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं, जंगली टाइप। सो गंगाधरन बोलते रहे, बात करते रहे, और इस वजह से लोगों ने उन पर अंडे, टमाटर, बहुत सारी चीजें फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे थे। अब लोगों का सब्र का बांध बिल्कुल टूट गया, लोगों ने उन पर अंडे, टमाटर ऐसा कुछ फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी गंदगी को साफ करते रहे और बोलते रहे, वो भी ढीठ थे। अब क्या हुआ कि लोग फाइनली स्टेज पे गए और निकाल के उनको बाहर फेंक दिया स्टेज से। अब गंगा दर्पण कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। दैट इज ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र। ऑल आई नो इज दैट आई वॉज फाउंड इन द आजाद मैदान इन द मॉर्निंग, बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विद नाउ। Where exactly I did I spend those 2 days when I was absent from here? Rajendra was dumbfounded by the narrative. It took him a while to reply, Professor, before, just prior to your collision with the truck, what were you doing? Rajendra asked. तो अब जो राजेंद्र है, जो प्रोफेसर गायतोंडे है, वो कहते हैं कि राजेंद्र मुझे बस यही कुछ बताना था, मैं सिर्फ यही जानता हूं कि मैं आजाद मैदान में सुबह पाया गया था, लेकिन मैं उस संसार में वापस आ गया हूं जिससे मैं परिचित हूं। अब वे दो दिन मैं कहां था जब मैं यहां से एब्सेंट था? राजेंद्र इस बात को सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए, उन्हें जवाब देने में कुछ समय लगा। प्रोफेसर ट्रक से टकराने से पहले आप क्या कर रहे थे? राजेंद्र ने पूछा। आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रोफ थियोरी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री। राइट, आई थॉट सो, राजेंद्र स्माइल्ड। डोंट स्माइल स्मगली इन केस यू थिंक इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमॉक। लुक एट दिस। एंड ट्रायम्फेंटली प्रोफेसर गायतोंडे produced his vital piece of evidence, a page torn out of a book. Rajendra read the text on the printed page and his face underwent a change. Gone were the smile and in its place came a grave expression. He was visibly moved. तो अब प्रोफेसर को जब पूछा राजेंद्र प्रसाद ने कि आप जब ट्रक से टकराए तो आप उस समय क्या सोच रहे थे, तो वो बोलते हैं कि मैं कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में सोच रहा था और उसके हिस्ट्री पे क्या इम्प्लीकेशंस थे उसके बारे में सोच रहा था। बिल्कुल ठीक, ये बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद जी कि बिल्कुल ठीक, मैं भी ये सोच रहा था। इतना खुश, इतनी खुशी से मत मुस्कुराओ। यदि तुम समझते हो कि मेरा दिमाग सिर्फ कुछ करतब कर रहा था, वो मेरी कल्पना उग्र हो गई थी, ये तो देखो। और विजयी भाव से प्रोफेसर गायतोंडे ने एक बड़ा सा प्रमाण पेश किया। वो प्रमाण क्या था? वो उनकी किताब का जो पेज उन्होंने फाड़ा था, वो उनकी जेब में रह गया था, वो उन्होंने अपने दोस्त को दिखाया। राजेंद्र ने वह छपा पन्ने के गन को पढ़ा और उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसकी मुस्कुराहट जा चुकी थी, वह उसकी जगह पर गंभीर हाव भाव थे, वह स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ था। नाउ नेक्स्ट, गंगाधरपन प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज। आई हैड इनएडवेंटली स्लिप्ड द बाखर इन माय पॉकेट एंड आई लेफ्ट द लाइब्रेरी। आई डिस्कवर्ड माय एरर। आई वॉज पेइंग फॉर माय मील एंड I had intended to return in the next morning, but it seems that in the melee of Azad Maidan, the book was lost. Only this torn page remained, and luckily for me, the page contains vital evidence. Rajendra again read the page. It described how Vishwarao narrowly missed the bullet and how that event taken as an omen by the Maratha army turned the tide in their favor. So, Gangadharpan ne apne paksh ko majboot kiya. Maine anjane mein vah bakhar apni jeb mein tab rakh liya jab main library mein se ravana hua. Wo keh rahe hain ki jab main library se bahar nikla to
तो वो पेज मैंने फाड़ के अपनी जेब में अनजाने में रख लिया और खाना खाने के बाद बिल वहां दिया और मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैंने अगली सुबह इसे वापस करना चाहा पर ऐसा लगता है कि आजाद मैदान की उस भीड़ में वह किताब खो गई, वह सिर्फ यह फटा हुआ पन्ना रह गया। और भाग्य की बात यह है कि इस पन्ने में वह महत्वपूर्ण प्रमाण है। राजेंद्र ने फिर इस पन्ने को पढ़ा, इसमें लिखा था कि कैसे विश्वास राव गोली से बाल बाल बचे और कैसे उस घटना को मराठा सेना ने अपशकुन माना व उनके पक्ष में जो है सारी चीजें हो गई, सारी चीजें उनके फेवर में, जो टाइड थी उनके फेवर में हो गई। नाउ नेक्स्ट, नाउ लुक एट दिस। गंगाधरपन प्रोड्यूस हिज ओन कॉपी ऑफ बाहूसाहेब बांशी बाखर, ओपन एट द रेलेवेंट पेज। द अकाउंट रैन दस, एंड देन विश्वराव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेले वेयर द इलाइट ट्रूप्स वर फाइटिंग एंड ही अटैक्ड देम एंड गॉड एक्सप्रेस्ड his displeasure. He was hit by the bullet. Professor Guy Tonde, you have given me food for thought. Until I saw this material evidence, I had simply put your experience down to fantasy. But facts can be stranger than fantasies, as I am beginning to realize. Facts. What are the facts? I am dying to know, Professor Guy Tonde said. So, वो कहते हैं, अब ये देखो गंगाधरपन ने अपने बाऊ साहिब बांची बाखर की जो उन्होंने फाड़ा था पेज वो दिखाया और वो पेज खोला, ब्यौरा इस प्रकार से था। और तब विश्वास राव अपने घोड़े, उसमें जो लिखा था वो उन्होंने पढ़ा, और तब विश्वास राव अपने घोड़े को भीड़ की तरफ से ले गए जहां उसकी उत्कृष्ट सेनाएं लड़ रही थी। वह उसने उन पर आक्रमण किया और भगवान ने अपनी नाराजगी जताई, उसे गोली लग गई। फिर फैक्ट्स, फैक्ट्स, प्रोफेसर गाय टोंडे अपने आपने मुझे सोचने हेतु विचार सामग्री प्रदान कर दी है। ये कहते हैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी कि आपने ये चीज, ये जो लेटर, ये जो मतलब कागज फाड़ के आपने रखा है, ये मेरे लिए अब सोचने का काम हो गया है कि आपने तो ये चीज उसी समय पर रख ली, तो ये कहां से आया? अगर आप लाइब्रेरी गए नहीं तो ये पेज आपके पॉकेट में कहां से आया? तो ये सोचने के समान जो है मेरे दिमाग को मिल गया है। जब तक मुझे यह प्रमाण नहीं मिला था तब तक मैंने अपने आपके अनुभव को मात्र एक कल्पना समझ लिया था कि आप बिल्कुल काल्पनिक बातें करें, लेकिन ऐसा नहीं है। परंतु तथ्य कल्पनाओं से भी ज्यादा अजीब हो सकता है, जैसे मैंने शुरू में महसूस किया था। फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या है? मैं जानने को बिल्कुल मतलब मरा जा रहा हूं कि क्या है फैक्ट्स। प्रोफेसर गायतोंडे ने यह कहा कि मुझे बताओ फैक्ट्स क्या है। राजेंद्र मोशन हिम टू साइलेंस एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम, ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन। फाइनली ही टर्न्ड अराउंड एंड सेड, प्रोफेसर गायतोंडे, I will try to rationalize your experience on the basis of two scientific theories as known today. Whether I succeed or not in convincing you of the facts only, you can judge, for you have indeed passed through a fantastic experience, or more correctly, a catastrophic experience. तो अब राजेंद्र जी क्या कहते हैं? राजेंद्र जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया, और जब उन्होंने बोला ना कि मुझे फैक्ट्स बताओ फैक्ट्स क्या, तो उन्होंने चुप रहने का इशारा किया और कमरे में इधर उधर टहलने लगे। स्पष्ट सी बात थी कि गहन मानसिक तनाव के तहत आखिर वह घूमा और बोला, क्योंकि वो भी परेशान थे कि एक्चुअली में है क्या चीज। प्रोफेसर गायतोंडे, मैं कोशिश करता हूं आपके अनुभव को दो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर तार्किक रूप देने की। अब वो समझाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो दो वैज्ञानिक सिद्धांतों को यूज करते हैं। वो कौन से? मैं आपको आश्वस्त करने में सफल होता हूं या नहीं, यह तो आप ही बता पाएंगे, है ना? आपको ही पता चल पाएगा कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपको समझ भी आया या नहीं, या जो मैं समझ रहा हूं क्या वो सही है या नहीं, क्योंकि आप वाकई एक विलक्षण अनुभव से गुजरे हैं। आप एक ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरे हैं जो बहुत ही डिफरेंट है, या फिर सही कहूं तो एक विनाशकारी, है ना? अगर हम इसको सही सही बोलें तो बिल्कुल ये कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस था, या तो फैंटास्टिक था या कैटास्ट्रोफिक था। प्लीज कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल इयर्स, प्रोफेसर गायतोंडे रिप्लाइड। राजेंद्र कंटिन्यू पेसिंग एज ही टॉक्ड।
You have heard a lot about the catastrophe theory at that seminar. Let us apply it to the Battle of Panipat. Wars fought face to face and open grounds offer excellent examples of this theory. The Maratha army was facing Abdali's troops on the field of Panipat. There was no great disparity between the latter's troops and the opposing forces. Their armor was comparable. So, a lot depended on the leadership and the morale of the troops. The juncture at which Vishwas Rao, the son of and the heir to the Peshwa, was killed proved to be the turning point. तो वो कहते हैं कि देखो, अब आपने कैटास्ट्रोफिक, वो कहते चलो ठीक है, आप अपनी बातें जो है बताओ, मैं पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ. आई एम ऑल ईयर्स का मतलब है पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हो. तो प्रोफेसर गायतोंडे जो है वो बोलते हैं इस बारे में कि मैं सुन रहा हूँ, आप बताओ. तो राजेंद्र बातें करते करते टहल रहे हैं कमरे में. आपने कैटास्ट्रोफिक सिद्धांत के बारे में सेमिनार में काफी सुना है, चलो इससे पानीपत के युद्ध पर हम अप्लाई करते हैं. ये राजेंद्र जी कहते हैं कि कैटास्ट्रोफिक सिद्धांत के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा, तो चलो इसको पानीपत के युद्ध पे हम लगाते हैं. जो युद्ध खुले मैदान में आमने सामने लड़े जाते हैं वह कई बार शानदार उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. उसी सिद्धांत का मराठा सेना अब्दाली की सेना का पानीपत के मैदान में सामना कर रही थी, है ना. अब दोनों ट्रूप्स आपस में लड़ाई करने के लिए तैयार थे, दोनों सेनाओं में ज्यादा अंतर न था, है ना. दोनों की ही काफी आर्मी और दोनों के पास ही आर्म्स बहुत सारे थे, बहुत लड़ने के लिए हथियार भी थे और लोग भी थे. उनके कवच भी तुलनीय थे, दोनों के कवच वगैरह सब अच्छे थे. अतः काफी कुछ नेतृत्व पर और सेना के नैतिक उत्साह पर निर्भर था, है ना. किस तरीके से अब हम गाइड करेंगे अपनी किसी भी, मतलब हमारी लड़ाई झगड़े अगर किसी से, तो जीतने के लिए अगर वो हमारी अगला भी जो है वो बिल्कुल टक्कर का है, तो जीतने के लिए हमें क्या चाहिए, मेन है गाइडेंस, है ना. जैसे मैच भी होता है, तो मैच में अगर दोनों ही टीम्स बहुत अच्छी हैं, तो वहां पे फील्डिंग किस तरीके से, कैप्टन किस तरीके से गाइड कर रहा है, वो मैच को जिता देगा. तो वैसे ही यहां पे था. जिस क्षण पेशवा का उत्तराधिकारी व बेटा विश्वास राव मारा गया, वह एक टर्निंग पॉइंट था. अब मेन टर्निंग पॉइंट यहाँ पे ये था कि जिस समय वो जो विश्वास राव मारा गया, वहीं पे ही एक टर्निंग पॉइंट आता है. As history has it, his uncle Bausaheb rushed into the melee and was never seen again. Whether he was killed in battle or survived is not known. But for the troops at that particular moment, that blow of losing their leaders was crucial. They lost their morale and fighting spirit. They followed an utter rout. Exactly, Professor. And what you have shown me on that torn page is the course taken by the battle when the bullet missed Vishwarao, a crucial event gone the other way. तो कहते हैं कि जैसे कि हमें हिस्ट्री से, है ना, हिस्ट्री बताती है कि उसका चाचा जो भाऊ साहेब दौड़कर भीड़ में गया और फिर वापस वो कभी भी नजर नहीं आए, किसी ने उनको नहीं देखा. वे युद्ध में मारे गए या जिंदा थे ये कोई नहीं जानता, लेकिन सेना के लिए उस महत्वपूर्ण समय पे अपने नेता को खोना बहुत बड़ी बात है, है ना. अभी सेना को क्या चाहिए, उनका जो है नेता या उनका जो कैप्टन है वो दिखना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा था. तो यही उनका मोराल जो है वो डाउन हो गया. उन्होंने अपनी नैतिक व युद्ध करने की ताकत को खो दिया और इसके बाद हिंसा हुई. बिल्कुल यही प्रोफेसर, उस फटे हुए पेज में आपने मुझे दर्शाया कि युद्ध ने कौन सा रास्ता अपनाया. जब विश्वास राव गोली से बचा, यह महत्वपूर्ण घटना दूसरे रास्ते चली गई, है ना. कि विश्वास राव जो है वो जब बिल्कुल मरते मरते बचा, तो ये जो है दूसरे अपोजिट जो टीम है लड़ाई की, उसके लिए एक अलग सा ही मैसेज जाता है. And its effect on the troops was also the opposite. It boosted their morale and provided just the extra impetus that made all the difference, Rajendra said. Maybe so. Similar statements are made about the Battle of Waterloo, which Napoleon could have won. But we live in a unique world
which has a unique history. This idea of it might have been is okay for the sake of speculation but not for reality, Gangadharpan said. I take issue with you there. In fact, that brings me to my second point, which you may find strange, but please hear me out, Rajendra said. तो अब वो आगे बोलते कि और ये चीज कि उनका जो विश्वास राव है वो बिल्कुल मरते मरते बचा, बहुत ही उसका अपोजिट का टीम का जो है जो लड़ाई के लिए खड़ी है उसका निशाना बिल्कुल चूक गया, तो और सेना का इस पे प्रभाव जो है वो बिल्कुल उल्टा पड़ा, इससे उनका नैतिक उत्साहवर्धन हुआ और उन्हें ज्यादा ताकत मिली, यही फर्क हुआ है, राजेंद्र ने कहा। हो सकता है ऐसा हो, इस तरह की बातें जो है वाटरलू युद्ध के बारे में भी कही गई थी जब नेपोलियन जीत सकता था, पर हम एक अनुपम दुनिया में रहते हैं जिसका इतिहास भी अनुपम है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। यह जो विचार है हो सकता है वाला अंदाजा लगाने के लिए सही है, परंतु सच्चाई जानने के लिए नहीं, कि हम सिर्फ एक अंदाजे लगा सकते हैं कि हो सकता है ऐसा हो, हो सकता है ऐसा, लेकिन सच्चाई जानने के लिए ये अंदाजे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गंगाधरपन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ मुद्दा लेता हूं, वास्तव में मैं इससे अपने दूसरे विचार पर आता हूं, जो हो सकता है तुम्हें अजीब लगे, पर बस मुझे एक बार पूरी तरह सुन लो, राजेंद्र ने कहा। राजेंद्र जी कहते हैं कि सच्चाई का क्या अर्थ है, मतलब हम जो है अनुभव करते हैं कुछ अपनी इंद्रियों से, मतलब अपने सेंसेस से कुछ अनुभव करते हैं और कुछ अपने यंत्रों से अनुभव करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हम एक्सपीरियंस करते हैं, एंड पर क्या यह वही तक सीमित है जो हम देखते हैं, या फिर दूसरी और भी कोई क्रियाएं होती हैं, वे सच्चाई हो सकती है अनुपम और हो छोटे छोटे अणुओं व उसके हिस्सों पर प्रयोग कर पाता लगाई गई है, कर पता लगाई गई है, ऐसी प्रक्रियाओं से कम करते हुए काम करते हुए भौतिक शास्त्रियों ने बड़ी ही हैरतअंगेज चीज पाई, चाहे इन सभी प्रक्रियाओं के भौतिक नियम पता हो फिर भी इनके व्यवहार के बारे में पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती, मतलब जो भी रिएक्शंस होते हैं हम उनके बारे में पहले से ही नहीं बता सकते, बेशक हम इनके बिहेवियर को जानते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से काम करते हैं हम जानते हैं, लेकिन इनका आगे रिएक्शन कैसा होगा ये हम नहीं बता सकते। उदाहरण के लिए मैं स्रोत से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूँ, यह कहाँ जाएगा, यदि मैं एक गोली बंदूक से, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा ये कहाँ जाएगा, मैंने एक गोली बंदूक से एक निश्चित दिशा में निश्चित गति से छोड़ी, ठीक है, तो मुझे पता है कि यह कहाँ जाएगी, पर इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं दावा नहीं कर सकता, वह यहाँ भी आ सकता है, वह कहीं और भी जा सकता है, और बस विषम विषम जगह बता सकता हूँ कि किस कहाँ ढूंढी जा सकती है। ये क्वांटम सिद्धांत में सुनिश्चितता की कमी, यहां तक कि मुझे जैसे अपने एक इतिहासकार ने भी यह सुनी है, प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा कि क्वांटम थ्योरी के बारे में तो मुझे भी पता है कि आप क्या कह रहे हो। सो इमेजिन मेनी वर्ल्ड पिक्चर्स, इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हियर, इन अनदर इट इज ओवर देयर, इन येट अनदर इट इज इन अ स्टिल डिफरेंट लोकेशन, तो हर जगह हम वर्ल्ड की पिक्चर्स को अगर कंपेयर करें तो हर जगह अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर यहाँ पे कुछ और है, कहीं पे कुछ और है। Once the observer finds where it is, we know which world we are talking about. और observer अगर ये पता लगा ले कि हमने उसे कहाँ पे ढूंढा, उसको ढूंढ ले, तो भी we know which world we are talking about. But all those alternative worlds could exist just the same. Rajendra paused to marshal his thoughts. तो मतलब वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो चल रहा था उसको क्लियर कर रहे थे कि एक ही टाइम पे हम दो जगह हो सकते हैं अपने दिमाग की वजह से, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम सो रहे हैं और हम अपने घर में हैं, लेकिन कई बार हम सोते सोते कहीं और भी घूम के आ जाते हैं, है ना, हम सपने में अमेरिका भी चले जाते हैं, तो हम अपने जो है ड्रीम की वजह से, अपने इस माइंड की वजह से हम बहुत सारी और जगह घूम के आते हैं। सो
I get you. You are suggesting that I made a transition from one world to another and back again. तो कहते हैं कि ठीक है, मुझे समझ आ गया आप क्या कहना चाह रहे हो. मतलब मैंने ट्रांजिशन मतलब चेंज लिया है ना. तो मुझे समझाना चाह रहे हो कि मैं किसी और दुनिया में गया और वहां से वापस आ गया. गंगाधरपंत आज फैंटास्टिक दो इट सीम्स दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर. तो गंगाधरपंत ने ये पूछा और फिर उन्हें लगा, उन्होंने बोला कि फैंटास्टिक दो इट सीम्स दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर. माई थियोरी इज दैट कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस ऑफर रेडिकली डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड. इट सीम्स दैट सो फार इज रियलिटी इज कंसर्न ऑल ऑल्टरनेटिव्स आर वियबल बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन एट देम एट अ टाइम. तो कहते हैं कि मेरा यही एक एक्सप्लेनेशन था जो मैं ऑफर कर सकता था. कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस के बारे में मुझे पता है, वहां पे जो है ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स होते हैं प्रोसीड करने के लिए, है ना. हमें जो लगता है कि रियलिटी से काफी दूर है, लेकिन नहीं, ऑब्जर्वर एक ही समय पे दो वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि कोई एक ऐसा मरीज है जो कोमा में चला गया, तो वो एक टाइम पे यहाँ भी है, हॉस्पिटलाइज भी है, दूसरे टाइम में वो किसी और ही दुनिया में है. तो दो वर्ल्ड एक साथ एक्सपीरियंस कर रहा है. बाय मेकिंग अ ट्रांजिशन यू वर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड्स ऑल्दो वन एट अ टाइम. तो इसी ट्रांजिशन की वजह से हम दो वर्ल्ड को एक ही टाइम पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, द वन यू लिव इन नाउ एंड द वन वेयर यू स्पेंड टू डेज. तो इस तरीके से वो गंगाधरपंत को समझाते हैं कि एक तो वो जहां तुम रह रहे हो और एक वो जहां तुमने वो दो दिन बिताए जिसका तुम मुझे बता रहे हो पूरा. वन हैज द हिस्ट्री वी नो, द अदर डिफरेंट हिस्ट्री. द सेपरेशन और बाइफर्केशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत. यू नीदर ट्रेवल टू द पास्ट नॉर द फ्यूचर. तो कहते हैं कि एक हिस्ट्री जो हम जानते हैं और दूसरी हिस्ट्री वो जिसमें बैटल ऑफ पानीपत में जो है चेंज हुआ. तो यू नीदर ट्रेवल टू द पास्ट नॉर द फ्यूचर. ना ही आप पास्ट में गए ना ही आप फ्यूचर में. यू वर इन द प्रेजेंट बट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड. आप यहीं पर ही थे लेकिन डिफरेंट वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे थे, डिफरेंट टाइम को एक्सपीरियंस कर रहे थे. ऑफ कोर्स बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी मेनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड अराइजिंग आउट ऑफ बाइफर्केशंस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. तो कह रहे कि इसी तरीके से बाइफर्केट होके हमारी सोच से ही हम डिफरेंट वर्ल्ड्स को एक्सपीरियंस करते हैं. एज राजेंद्र कंक्लूडेड गंगाधरपंत आस्क्ड द क्वेश्चन दैट वॉज बिगनिंग टू बॉदर हिम मोस्ट, बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन. अब गंगाधरपंत जी ने अपने इस क्वेरी को और आगे और मतलब कहते हैं कि उलझा दिया. ये तो उन्हें समझ आ गया कि ट्रांजिशन हुआ, बट उन्हें ये नहीं समझ आया कि ट्रांजिशन हुआ क्यों. ठीक है, बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, मुझे नहीं समझ आया. इफ आई न्यू द आंसर आई वुड हैव सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम. तो कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि तुमने ट्रांजिशन क्यों लिया, तो मैं तो बहुत बड़ी और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता था. अनफॉर्चुनेटली देर आर मेनी अनसॉल्व क्वेश्चन इन साइंस एंड दिस इज वन ऑफ देम. तो साइंस में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं है, और जो आपका सवाल है ये भी उन्हीं में से एक सवाल है. बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग, राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीडेड. यू नीड सम इंटरैक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन. तो कहते हैं फिर भी मेरे को आप रोक नहीं सकते, मैं आपको इसका भी जवाब दूंगा. और उन्होंने जवाब दिया वो ये था कि आपको शायद कोई इंटरेक्शन करना होगा, किसी से कोई बात करनी होगी, और इसी की वजह से ये ट्रांजिशन हुआ, यही कारण बना. परहैप्स एट द सेम टाइम ऑफ द कोलिजन यू वर थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रोफ थियरी एंड इट्स रोल इन वॉर्स. और मे बी ऐसा हो सकता है कि जिस समय आपके ट्रक से टक्कर हुई उस समय आप कैटास्ट्रोफ थियरी के बारे में सोच रहे होंगे, या उसका वॉर पे क्या रोल रहा उसके बारे में सोच रहे होंगे. मे बी यू आर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत. हो सकता है कि आप बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे होंगे. पर हैज द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन एक्टेड एज अ ट्रिगर. और इसीलिए जो उस समय कोलिजन के टाइम जो ट्रक से आपकी टक्कर हुई उस समय जो आप सोच रहे थे उसने आपके दिमाग में, उन न्यूरॉन्स ने आपके दिमाग में ट्रिगर का काम किया. अ गुड गेस. आई वॉज इनडीड वंडरिंग व्हाट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल हैड गॉन द अदर वे. तो अब यहाँ पे गंगाधरपंत जी कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा गेस किया. बिल्कुल मैं उस समय पे यही सोच रहा था कि अगर बैटल ऑफ पानीपत का रिजल्ट जो है वो ना होता तो फिर हिस्ट्री क्या होती. प्रोफेसर गायतोंडे सेड दैट वाज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माय 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस. और वो कह रहे हैं क्योंकि अगले दिन जो मुझे स्पीच देनी थी उसका मेरा, क्योंकि मैं 999 स्पीचेस दे चुका था और ये मेरा 1000 था, तो इसके लिए मेरा टॉपिक यही था.
now you are in the happy position of recounting your real life experience rather than just speculating. Rajendra laughed. अब राजेंद्र जी ने बोला हंसते हंसते कि देखो अब आप बिल्कुल ही खुश हो, आप अपने real life के experiences को experience कर रहे हो. But Gangadhar Pant was grave. No, Rajendra, my 1000 address was made on the Azad Maidan when I was so rudely interrupted. तो कह रहे हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, because मेरा जो 1000 सेशन होने वाला था उस समय पे मुझे इंटरप्ट रूडली बिल्कुल ही बहुत ही गंदे तरीके से रोक दिया गया मुझे वहाँ पे. नो द प्रोफेसर गायतोंडे हु डिसअपीयर्ड व्हाइल डिफेंडिंग हिज चेयर ऑन द प्लेटफॉर्म विल नाउ नेवर बी सीन प्रेसाइडिंग एट अनदर मीटिंग. आई हैव कन्वेड माई रिगार्ड्स टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पानीपत सेमिनार. तो कहते हैं कि अब कभी भी मैं और कोई मीटिंग्स प्रिसाइड नहीं करूंगा. मैंने जो है जो पानीपत सेमिनार के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मना कर दिया है, इसके बाद मैं और कोई भी मतलब स्पीच नहीं दूंगा. आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू.